तो मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल गार्डन वॉइस में करता हूं जी आपका स्वागत। ये है जी हमारे आप देख सकते हैं सिंगोनियम के प्लांट। गर्मियां हैं, गर्मी की वजह से आप देखेंगे कुछ प्लांट की जो पत्तियां हैं वो जल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मियों का थोड़ा इंटेंसिटी कम हो रही है क्योंकि अभी मई के अंदर आपने देखा कि एक ज़बरदस्त कहर बरपा कर रखा था जी गर्मी ने हमारी। 48 डिग्री इवन 50 डिग्री तक दिल्ली के अंदर टेम्परेचर गया था, जिसकी वजह से आप देखेंगे हमारे बहुत से प्लांट थे जो जल गए थे, ठीक है। और कुछ पत्तियां इनकी भी आप देख सकते हैं जल गई, लेकिन अब थोड़ा टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है, 48 से 42 पर आ गया है, तो आप देख सकते हैं न्यू फ्रेश लीव्स निकल रही हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे 6 प्लांट रखे हुए हैं, तो हमने चाहा कि इन सबको, ये हमारे छोटे पॉट्स के अंदर लगे हुए हैं और ज़्यादा घने नहीं हो रहे हैं, तो हमने क्या सोचा कि हम उनको एक ही बड़े ग्रो बैग के अंदर लगा देंगे और एक घना हमारा ये बुशी सा प्लांट हमारा ये बन जाएगा। तो उसके लिए मिट्टी कर रहे हैं जी तैयार। इसके अंदर हम आधे मिलाएंगे जी कोकोपीट, ये आप देख सकते हैं कोकोपीट है जी हमारी, और ये जी हमारी फुल्ली फर्टाइल एक ऑर्गेनिक मिट्टी हमारी फुल्ली, ठीक है, जिसके अंदर हमने बहुत मेहनत भी करी है, वो बहुत पुरानी मिट्टी भी है। इसके अंदर सब्जियों का जो चूरा है उसकी खाद भी मिली हुई है, जिसको हम किचन वेस्ट कहते हैं वो भी इसके अंदर मिली हुई है, ठीक है। और इसके अंदर सरसों की खली, नीम की खली, ठीक है, और बोन मिल ना जाने क्या क्या इसके अंदर मिला हुआ है। तो हमारी पुरानी मिट्टी है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मिट्टी है जी ये, ठीक है, और इसके अंदर रेत भी मिला हुआ है। तो ऐसी मिट्टी है जी हमारी, ये 50% हमारी रहेगी जी ये मिट्टी जिसके अंदर सारी चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है, और 50% है जी हमारी ये कोकोपीट, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हम मिक्सचर कर लेंगे जी तैयार, ठीक है, और इसके अंदर इन पौधों को हम लगाएंगे जी वन बाई वन करके जी। 6 हैं जी हमारे, हम 4 को एक ही पॉट के अंदर लगा देंगे। तो आपका जो सिंगोनियम का प्लांट है उसको कुछ इस तरीके के ही मिट्टी चाहिए जिसके अंदर पानी बना रहता हो, ठीक है, और मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, कॉम्पैक्ट ना हो, भुरभुरी मिट्टी हो। भुरभुरी कैसे बनेगी, कोकोपीट हमने इसके अंदर मिला दी, रेत भी इसके अंदर मिला हुआ है जी थोड़ा ऑलरेडी हमारी पुरानी मिट्टी के अंदर, ठीक है, और उसका टेक्स्चर भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है जी, और फुल्ली है जी फर्टाइल मिट्टी हमारी ये, ठीक है। तो मिट्टी हो गई जी हमारी अब तैयार। गर्मी के अंदर तो आप देखेंगे वैसे भी इस वक्त जून चल रही है और जड़ों को पानी अगर बना रहेगा इसके अंदर, ठीक है, आप देखेंगे इसके अंदर पानी होल्ड है, ठीक है, पानी होल्ड है, और आप देख सकते हैं हमारे हाथ, ठीक है। और 2 दिन पहले हमने कोकोपीट के अंदर पानी मिलाया था और अभी भी इसके अंदर जो है मॉइस्चर बना हुआ है। तो गर्मी के अंदर आप प्लांटिंग करते हैं तो आप कोकोपीट ज़रूर मिलाएं, ठीक है जी। हमने एक पॉट से मिट्टी निकाल दी और आप देख सकते हैं हमने सबको टहनियों से लगाया, 3-3 टहनियाँ इसके अंदर लगी हुई हैं, ठीक है। तो तकरीबन हम 9 से 10 टहनियाँ इसी के अंदर लगाएंगे और इसकी आप देखेंगे जड़ें भी बहुत नीचे तक जाती हैं, देख रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रूट पॉन्ड भी हो गई हैं, यानी गोल गोल घूम रही हैं। तो बड़ा पॉट होगा तो और भी अच्छे तरीके से, जितनी ज़्यादा बड़ी जड़ें उतना ही घना आपका होगा जी प्लांट। और तीनों प्लांटों को हमने अलग अलग कर दिया है जी, ठीक है, और साइड में इसको हम लगा देते हैं, ठीक है जी। तो हमने तकरीबन इसके अंदर 7-8 टहनियाँ हमने इसके अंदर लगा दी, यानी कि हमने अपने 4 गमले यहाँ से हटा दिए हैं, ठीक है। अब रह जाएंगे जी हम एक और दूसरे ग्रो बैग के अंदर इसको लगा देंगे। अच्छी तरीके से हमने इसको सेटल्ड कर दिया है और ऊपर से हम डाल देंगे जी ये मिट्टी साइड में से, यहाँ पर भी आप देखते हैं थोड़ा सा गैप बना हुआ है जी। मिट्टी डाल देंगे, पानी भर देंगे और इनके लिए हो जाएगा जी एक बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट क्रिएशन, क्योंकि जितने ज़्यादा घने घने होंगे गर्मियों का इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। अगर आप ऐसे देखें एक टहनी लगी होगी तो गर्मी होगी तो आप देखेंगे पत्तियां जलने लगी, लेकिन जितना ज़्यादा ये घना होगा उतनी ही पत्तियां करेंगी जी सर्वाइव, क्योंकि एक दूसरे को पत्तियां एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगी ठंडा वाला, ठीक है, और आपका प्लांट और भी ज़्यादा घना और बुशी होगा। दूसरा पॉट भी हमने कर लिया है जी तैयार। तो इसके अंदर जो हमारे बचे रुके हुए रखे एक ये है, ठीक है, एक छोटा सा ये रखा हुआ है, एक छोटा सा ये रखा हुआ है, ठीक है, और हमारे 2 ये वाले, इनको हम इसके अंदर लगाते हैं। दूसरा वाला भी प्लांट रेडी हो गया, ठीक है, पहला वाला भी याद रखें आप, कुछ छोटे प्लांट हैं, ठीक है, और यहाँ है जी कुछ बड़े, लेकिन कुछ दिन के बाद आप देखेंगे 1 महीने के बाद बरसात शुरू हो जाएगी और बरसात में तो आप देखेंगे इनकी जो ग्रोथ है वो हो जाती है जी अनकंट्रोल्ड, इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि क्या ही उसके होते हैं जी मज़े। तो तकरीबन अगर आप देखेंगे मई जून का महीना थोड़ा इनके लिए होता है जी ख़तरनाक, वो क्यों, क्योंकि पत्ते जल जाते हैं और दिसंबर और जनवरी के अंदर ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आप देखेंगे हरियाली बनी रहेगी,
दो महीने डाउन होंगे, फिर आप देखेंगे फरवरी मार्च और अप्रैल के अंदर भी हरियाली बनी रहती है। अगर आप इसकी ऐसे ही केयर करेंगे तो सालों साल ये आपके गार्डन के अंदर ऐसे ही घना होता रहेगा। तकरीबन अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 2 साल पुराने हैं जी, और एक ही प्लांट लेकर आए थे जी हम, और एक ही प्लांट से आप देख सकते हैं हमने इतने ज़्यादा प्लांट बनाए और लोगों को दिए, गिफ्ट भी करे, ठीक है। फिर भी आप देख सकते हैं यही प्लांट से हम आने वाले वक्त के अंदर और भी ज़्यादा करेंगे जी प्लांट, ठीक है। पानी डाल देंगे जी इसके अंदर और इसको छाएं के अंदर रख देंगे जी, अच्छे तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे जी पानी। पहली बारी में पानी बहुत अच्छे तरीके से थोरोली आप डाल दें जी, फुल भर कर डाल दें। एक्सेस वाटर जितना भी होगा निकल जाएगा, जो होगा वो हमारी कोकोपीट और मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी और मॉइस्चर बना रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम पानी आप इसके अंदर तभी डालें जब मिट्टी आपको लगे कि वाकई में खुश्क हो गई है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो ओवर क्राउड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कोकोपीट हमने इसके अंदर मिलाई हुए, ठीक है। तो इसे ऐसे ही इसके अंदर भी हम डाल देते हैं। ये भी आप देख सकते हैं छज्जा है जी हमारा, और यहाँ पर आप देखते हैं सिर्फ सुबह सुबह की रोशनी आती है जी। सुबह सुबह रोशनी मतलब सुबह सुबह की तेज़ धूप पड़ती है, ठीक है, और पूरे दिन ये अपने छाँव के अंदर बने रहते हैं। थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी जी सिंगोनियम प्लांट की। फिर चाहें तो आप इसको बालकनी के अंदर खिड़की के पास भी लगा के रख सकते हैं, लेकिन फिर भी इंडोर आप इसको ना ही रखें। इंडोर मतलब ये आपने इसको अपने बेडरूम में रख दिया या जहाँ पर रोशनी नहीं आती वहाँ रख दिया, तो थोड़े दिन तो सही लगेगा, बाकी आप देखेंगे पत्तियाँ जो ना डल होना स्टार्ट हो जाएंगी और आपका प्लांट मर जाएगा। खिड़की के पास रखें, बालकनी में रखें, या ऐसी जगह रखें जहाँ से छन कर सूरज की रोशनी नहीं बट लाइट डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ती हो, ठीक। तो ये थी जी फिलहाल ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट। हम बाकी अब आपसे मिलेंगे जी 10 से 15 दिन के बाद, क्या इसका रहा जी रिजल्ट जी हमारे सिंगोनियम के खूबसूरत से प्लांट, जिसको ऑलरेडी हमने आपके साथ शेयर भी किया था, तो पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई कि कैसे ये इतने घने ये हो गए हैं, क्या है जी इनके ऐसे घने होने का राज। तो राज है जी सबसे आसान, गाय के गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइजर हम इसके अंदर डालते रहते हैं जी, वक्त रहते रहते। हमने बीच में भी डाला था लेकिन बरसात के अंदर हमने नहीं डाला, तो आज हमने चाहा कि आपके साथ शेयर करें जी। देख रहे हैं आप इनके पत्ते और पत्तों की शाइनिंग और पत्तों का साइज आप देख सकते हैं, और नई नई ग्रोथ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने कैसे बनाया इसके ऊपर भी ऑलरेडी हमने वीडियो डाल रखी है, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन हमने जो वीडियो बना रहे हैं डेडिकेटेड इनके लिए है जी, एक स्पेशल खाद गाय का लिक्विड का फर्टिलाइजर, गाय के गोबर, ठीक है, जिसको उपले भी बोलते हैं, कंडे भी बोलते हैं, तो उसकी लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनानी है ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप देख सकते हैं जी हमारे चैनल के ऊपर जाकर। तो उसी का लिक्विड फर्टिलाइजर हम इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है जी। तो गाय के गोबर का लिक्विड फर्टिलाइजर, ठीक है, ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं। बहुत आसान है जी बनाना इसको, ऑलरेडी डिटेल वीडियो हमने बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, बस आपको इसके अंदर डालनी है, ठीक है। तो गाय के गोबर की खाद भी आती है बनी बनाई, जिसको काउ डंग मैन्यूर भी जिसको बोलते हैं जी। गाय के गोबर की खाद सूखी वाली आप देख सकते हैं नर्सरी के अंदर बहुत आसानी से और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर होती है जी यूज। आप वर्मी कंपोस्ट केंचुए वाली खाद भी इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप इसके अंदर एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं जी। 1 लीटर पानी और 5 ग्राम एप्सम सॉल्ट, उसका सॉल्यूशन बना के भी आप इसके अंदर डाल दें, तो उससे क्या होगा आपकी जो प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बनी रहती है जी। खासतौर से लीफी प्लांट जितने भी होते हैं, ये जो हमारा प्लांट होता है जी सिंगोनियम का, आप देख सकते हैं पत्ते ज़्यादा आते हैं और पत्ते बड़े खूबसूरत लगते हैं जी इनके, एरो हेड भी इसको बोलते हैं जी, ठीक है। तो अभी तो इनका सीज़न चल रहा है जी, बरसात चल रही है, तो बहुत तेज़ ग्रोथ है। ठंड के अंदर आप देखेंगे इनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ठंड के तो अगर अभी 4 महीने बाकी हैं, अभी आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, दिसंबर और जनवरी के अंदर आप देखेंगे थोड़ी ग्रोथ इनकी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो आप इनके अंदर डालते रहें जी गाय के गोबर की खाद डालें लिक्विड वाली, तो इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा और शानदार निकल कर सामने आता है, और ऐसी ही खूबसूरती आपके प्लांट की बनी रहती है।